नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज दशा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम, जब सत्य डोलता है तो अशोक वानखड़े बोलता है। थोड़ी राजनीतिक घटनाओं पर। बीजेपी में केंद्रीय मंत्री अध्यक्ष को मिल रहे हैं, कुछ राज्यों में नए अध्यक्ष बन गए हैं, मंत्रिमंडल में फेरबदल है, कुछ लोग संगठन में जा सकते हैं, कुछ लोग मंत्रिमंडल में आ सकते हैं। मणिपुर यथावत जल रहा है, कांग्रेस चुनावी राज्यों में अपना प्रचार प्रसार तेज कर रही है, बीजेपी ने भी कमर कस रही है। आज प्रधानमंत्री जी आने वाले एक दो दिनों में चार राज्यों का दौरा ही करेंगे, जहां चुनाव होने हैं, और हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट भी अनाउंस करेंगे। छत्तीसगढ़ को लेकर खास चिंतित अमित शाह 2 दिन के लिए छत्तीसगढ़ में ठिया लगा के बैठे हैं। इन सभी के बीच में महाराष्ट्र में जो घमासान हो रहा है उस पर सबकी नजर है। महाराष्ट्र में शरद पवार और अजित पवार शक्ति प्रदर्शन हुआ। अजित पवार के पास जैसे कि एक्सपेक्टेड थे 30 के आसपास, 29 के आसपास एमएलए हो गए, उनके नाम उन्होंने दिए। उन्होंने कहा कुछ विदेश में है, कुछ रास्ते में ट्रैफिक में फंस गए हैं, मेरे पास 40 का आंकड़ा है। शरद पवार के यहाँ 7 एमएलए जा गए। फिर जो भीड़ थी उसमें सबसे ज्यादा युवा शरद पवार के साथ दिखाई दिए। यही शरद पवार की 2019 की जीत की कुंजी थी, वही इस बार फिर उनके साथ खड़ी होती दिखाई दे रही है। अजित पवार ने शरद पवार को कहा कि आप 84 साल की उम्र हो गए हैं, आपको रिटायर होने का समय हो गया है, अब आप घर बैठिए। ये बात अजित पवार के लिए उतनी ही डैमेजिंग हुई। एक जमाने में यानी कुछ साल पहले उन्होंने जब किसानों ने पानी मांगा तो उन्होंने कहा डैम में पानी नहीं तो मैं सुसु पेशाब करूं क्या। उसके बाद उन्होंने माफी मांगी और बहुत ट्रोल हुए महाराष्ट्र में। ऐसा ही उन्होंने बात कही कि आपकी उम्र हो गई तो घर निकाला कर दिया, एक बुजुर्ग बाप को घर से बाहर कर दिया। ये सेंटिमेंट महाराष्ट्र में शरद पवार खूब कैश करेंगे क्योंकि वो राजनीतिज्ञ हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे सत्य कहाँ डोला। ये तो मैंने एक कोलाज आपको बताया कि देश में क्या चल रहा है। सत्य यहाँ डोला कि प्रधानमंत्री जी ने सोमवार के दिन प्रगति मैदान के कन्वेंशन सेंटर में जब कैबिनेट बैठक ली, उसमें उन्होंने ओपनिंग में बहुत व्यथित होकर कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि 2047 जब देश को आजाद हुए 100 साल हो जाएंगे, तब मैं देश को एक मुकाम पे ले जाना चाहता हूं। लेकिन जो देश में सियासी माहौल है, खासकर विपक्षों का, विपक्षी दलों का, उसको देखते हुए कई बार मुझे लगता है कहीं मैं इन लोगों के बीच में फिट ही नहीं हूं, इन लोगों के बीच में फिट बैठ ही नहीं सकता। उन्होंने खास कर कहा कि फ्रीबीज, तुष्टिकरण, परिवारवाद, पद लोलुपता, चापलूसी जैसे हथकंडे अपनाकर विपक्ष सत्ता में आने का प्रयास करता है। आप कई बार सत्ता पा भी लेते हैं, आप एमएलए भी बन सकते हैं, एमपी भी बन सकते हैं, चुनाव जीतवा भी सकते हैं इन सब हथकंडों से, लेकिन अंत में देश का बड़ा नुकसान होता है। जरूरतमंद जो देश में है उसका बड़ा नुकसान होता है। सत्ता मिलती है लेकिन फिर ऐसी सत्ता का क्या करना। उन्होंने कहा खासकर फ्री बीज, तुष्टिकरण और परिवारवाद से विपक्ष हटने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि जनता के जनप्रतिनिधियों को जनता के लिए जो सुविधाएं हैं वो पहुंचाने के लिए समय ही नहीं मिलता। प्रधानमंत्री जी ने बहुत बढ़िया बात कही, उनकी बात सुन के मैं भी इमोशनल हो गया। यदि मेरे देश का प्रधानमंत्री, मेरा अभिभावक, मेरा पिता यदि वाकई मेरे बारे में इतनी अच्छी सोच रखता है तो इससे ज्यादा मैं सौभाग्यशाली नहीं हो सकता। और 2047 का जो सपना है कि देश 100 साल में एक ऐसा मुकाम पाए कि सारा विश्व उसकी तरफ देखे, वाकई मोदी जी आपकी सोच को मैं सलाम करता हूं, नमन करता हूं। लेकिन मेरा दर्द उससे ज्यादा अच्छा लगता है जब इतनी सारी बातें आपको समझती हैं, जब इतनी सारी बात को आप सुलझाने का प्रयास करते हैं, जो विपक्ष के खाते में आपने जो बातें बोली है वो बातें जब आप स्वयं करते हो, तब फिर 2047 में देश को आगे ले जाने का सपना आपका कहां जाता है। फ्रीबीज, क्या 4-6 हजार रुपए साल में 2-2 हजार रुपए के इंस्टॉलमेंट में किसानों को देके आप उनका भला कर रहे हैं? क्या ये सही बात है?
उस 6,000 में किसान 2.5 एकड़ में क्या कुछ कर पाता है, कभी आपने सोचा है? कभी खेती करके देखी है? 81 करोड़ लोगों को कोविड के समय दिया हुआ फ्री अनाज की स्कीम, ऐसी क्या मजबूरी है कि अभी भी आप चला रहे हैं? देश तरक्की कर रहा है, आपका GST बढ़ रहा है, इकोनॉमिकली देश बहुत आगे बढ़ रहा है, एक तरफ आप ये कहते हैं, और देश के 143 करोड़ लोगों में से 81 करोड़ यानी 2/3 लोगों को आज भी फ्री का अनाज आप देते हैं, तब आपका 1947 का सपना और इन अनाज पे होते हुए खर्चे की वजह से बाकी जगह पे जो आपको कर्जा लेना पड़ता है और उस कर्जे का जो बोझ इस देश पे है उसके बारे में आपने कभी क्यों चिंता नहीं की? तुष्टिकरण, जब आप तुष्टिकरण की बात करते हैं तो जय बजरंग बोली का नारा देकर, जब आप बटन दबाने की बात करते हैं ईवीएम का, तो वो क्या तुष्टिकरण नहीं है? क्या 20 बनाम 80 का जब आप बात करते हैं, जब कब्रिस्तान वर्सेस शमशान की बात आप करते हैं, जब मंदिरों के बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करने की, 1,000 करोड़ के मंदिरों का लोकार्पण करने की बात करते हैं सरकारी खर्चे, तब आपको नहीं लगता कि आप तुष्टिकरण कर रहे हैं? आप कई बार कहते हैं कि मैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन फिर सबको अपने जीने का अधिकार इस देश में जब संविधान ने दिया, तो क्या पहनने का अधिकार से हिजाब पहनने देते हैं? खाने के नाम पे फ्रिज में घुस घुस के लोगों की चेकिंग करके उनकी हत्याएं करना, ये इसी देश में हुआ है, ये कैसा न्याय है? यदि ये विपक्ष करता है तो आप इससे कहां बचे हैं? गोली मारो सालों को, या महात्मा गांधी के हत्यारों को महिमा मंडन करने वाले लोग भी आपके साथ बैठ के खाना खाते हैं, तब फिर तुष्टिकरण की बात कहां जाती है? जब आपके यहाँ आदिवासियों को लेके कॉमन सिविल कोड की बात होती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की, और आप ही के मोदी जी सुशील मोदी कहते हैं कि आदिवासियों के लिए अलग हो जाना चाहिए, तो फिर ये अनकॉमन सिविल कोड हो गया, क्योंकि आदिवासियों के वोट की चिंता आपकी है, तो फिर आप ये तुष्टिकरण की बात नहीं कर रहे हैं? आप आगे कहते हैं परिवार परिवारवाद, इस नाम से आपने लगातार कांग्रेस को घेरा है। कांग्रेस के अध्यक्ष तो अभी खड़गे जी है, और कांग्रेस के जो युवराज आपको जिसको कहते थे, वो तो सांसद भी नहीं है, सजा का एक तलवार सर पर लटकी हुई है। प्रियंका गांधी भी सांसद नहीं है, किसी सदन की हिस्सा नहीं है। सोनिया गांधी जरूर सदन की हिस्सा है, लेकिन जब वो परिवारवाद की बात आप करते हैं, एक उंगली आप उठाते हैं तो बाकी उंगलियां आपके पास कहां जाए? क्या पंकज सिंह परिवारवाद में नहीं आते? क्या येदुरप्पा के बेटे परिवारवाद में नहीं आते? क्या राजमाता सिंधिया का पूरा कुंबा परिवारवाद में नहीं आता? क्या परिवारवाद आपके यहाँ नहीं है? आप जिस चौटाला परिवार के साथ सरकार में है, वहां परिवारवाद नहीं है? जिन अकाली दलों को आप अपने साथ बैठते हो, क्या वो परिवारवाद वाला नहीं है? जिस रामविलास पासवान के परिवार को अब आप फिर से अपने गले लगा रहे हो, क्या वो परिवारवाद नहीं है? पीडीपी के साथ आपने जब सरकार बनाई, तब क्या परिवारवाद नहीं था? बीच बीच में बीजेडी का समर्थन आप राज्यसभा में लेते हैं, क्या वो परिवारवाद नहीं है? कहां परिवारवाद नहीं है साहब? जहां जहां क्षेत्रीय दल है, वहां वहां परिवारवाद है। आपके आपके पक्ष में भी बड़े बड़े नेताओं का परिवारवाद है। क्या इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में इतना अकाल पड़ गया था कि कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय, जिसकी मूंछ भी नहीं ठीक से आई थी, उसको विधायक का चुनाव लड़ाया गया, क्या वो परिवारवाद नहीं था? गिनाने के लिए असंख्य परिवारवाद है। क्या देवेंद्र फडणवीस परिवारवाद के प्रोडक्ट नहीं है? क्या जयेश शाह क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पे इसीलिए है कि वो अमित शाह के बेटे हैं? हर आदमी अपना परिवार का भरा करना चाहता है, और भाजपा में भी उतना ही परिवारवाद है जितना दूसरे की तरफ है। तो दूसरे परिवारवाद के पहले यदि वो आप अपना परिवारवाद साफ करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये ऐसी कई बातें हैं जो आपने कही, इसकी शुरुआत यदि आप अपने आप से करेंगे, भारतीय जनता पार्टी से करेंगे, ताज्जुब लगता है जिस परिवारवाद शरद पवार की पार्टी को शरद परिवारवाद वाली पार्टी बोली, और नेशनल करप्ट पार्टी NCP का फुल फॉर्म आपने नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी बोला, उसी पार्टी को आपने अभी अपने सरकार में शामिल किया महाराष्ट्र में, जबकि आपको उनकी जरूरत नहीं थी, सरकार के पास पर्याप्त बहुमत था।
70,000 करोड़ का घोटाला आपने स्वयं गिनवाया और उसी घोटाले के तथा कथित आपके आरोपी जननायक सुनील तटकरे और अजीत दादा पवार, ये आपके मंत्रिमंडल में अजीत दादा पवार उनको मुख्यमंत्री बनते हैं महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार में, और सुनील तटकरे की बेटी वो भी परिवारवाद मंत्री बनती है, क्या आपको वो दिखाई नहीं देता? तो दूसरे को ज्ञान देना बहुत इजी है, लेकिन वो यथार्थ जो जो आदर्शवाद के जो कलमे आपने पढ़ी है, आदर्शवाद के जो नए नए अध्याय आपने लोगों के सामने अपने मंत्रिमंडल के सामने खोले हैं, वो आदर्शवाद यदि अपने आप पे लागू करें तो सही मायने में आप इस देश को 1947 में एक विश्व में सबसे बड़ा देश के रूप में स्थापित कर सकते हैं। लेकिन साहब, जो आदर्शवाद आपने गढ़ा है उसको खुद अपने ऊपर प्रयोग कीजिए, अपने पार्टी में प्रयोग कीजिए, तब जाकर विपक्ष स्वयं खुद ब खुद सुधर जाएगा और इस देश की जनता विपक्ष को नेस्तनाबूद करेगी, क्योंकि फिर गौतम बुद्ध हमारे सामने हो तो फिर कौन नतमस्तक नहीं होगा। लेकिन फिर गौतम बुद्ध के मुखौटे के पीछे यदि आपका भी मुखौटा उन्हीं लोगों का है, आपका चेहरा भी उन्हीं लोगों का है जिन्होंने गौतम बुद्ध को पत्थर मारे थे, तो फिर तो ये भी इनामी हो गई। आपने जितना कथन किया कैबिनेट को, कैबिनेट मीटिंग में, कैबिनेट के सामने, वो सारा सत्य डोलता हुआ नजर आया, इसलिए अशोक पांडे बोला है। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।